एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इतने दिनों में मैंने यही नोटिस किया है कि आप लोगों ने सबसे ज्यादा कमेंट्स एंड मैसेजेस मुझे पिगमेंटेशन को लेकर किया हुआ है, और आज तक जितने भी कमेंट्स आ रहे सबसे ज्यादा वो पिगमेंटेशन की ही है। एंड पिगमेंटेशन की जो मैंने एक वीडियो दी थी, कंचन काया क्रीम की वीडियो दी थी, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है कि अगर हमें आपसे लेना हो तो कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर कंचन काया क्रीम आप लोग लेना चाहते हो तो आप लोगों को पहले पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम में मुझसे आपको डीएम करनी होगी, मुझसे बात करनी होगी। तो इंस्टाग्राम में सारी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी, तो जल्दी जल्दी से वहां मुझे डीएम कीजिए। पिगमेंटेशन की क्रीम आप लोगों को वही से जानकारी मिलेगी कि पिगमेंटेशन की जो कंचन काया की क्रीम है वो कैसे मिलेगी, क्योंकि इसकी वीडियो तो मैंने पहले भी बनाई थी, लेकिन लोगों का कहना था कि आप पहले क्रीम भेजिए उसके बाद हम आपको पेमेंट करेंगे। तो ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमने कोरियर के द्वारा भेजना था, तो जो कोरियर वाला हमारा है वो चार्जिंग पहले लेगा, इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ा है कि पहले आपको क्रीम ऑर्डर करने पड़ेंगे, साथ ही पेमेंट आपको अकाउंट में भेजने पड़ेंगे, फिर आपको वहां रिसीव करनी है क्रीम, वहां तक पहुंच जाएगी, आपके घर तक पहुंच जाएगी, क्योंकि ये जो क्रीम मैंने बताई है ये कहीं पर भी नहीं मिल रही। ओके, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर हमारे स्किन पे पिगमेंटेशन है तो उसके लिए हमें सिर्फ क्रीम के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। मैंने बहुत सारे वीडियोस तो वैसे भी बनाए हुए हैं, लेकिन आज की वीडियो में भी मैं कुछ नया बताने वाली हूँ। अगर हमारे स्किन पे पिगमेंटेशन है तो उसके लिए हमें फेस वॉश पे भी ध्यान देना है। हम फेस वॉश तो जरूर करते हैं, सॉप वगैरह भी जरूर यूज करते हैं, लेकिन आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग यूज करते हो कि नहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी देखना है। तो आज मैं आप लोगों को पिगमेंटेशन के लिए एक बेस्ट फेस वॉश बताने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए अफोर्डेबल भी होने वाली है। हम सभी के लिए अफोर्डेबल है क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली भी होनी चाहिए। मैं ऐसा ही प्रोडक्ट आप लोगों को बताती हूँ जो हमारे पॉकेट फ्रेंडली हो। ओके, चलिए जानते हैं कि कौन सा फेस वॉश है, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि क्या हमें अपने स्किन की केयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर पिगमेंटेशन है तो क्या हमें अपने स्किन की केयर नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा करनी चाहिए? अगर आपके स्किन पे पिगमेंटेशन हो रही है ना, जरा सा भी हो चुकी है, कहीं भी आपके स्पॉट्स वगैरह दिख रहे हैं, डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो आपको जरूर अपनी स्किन की केयर बढ़ा देनी चाहिए। नाइट स्किन केयर भी करनी चाहिए, डे स्किन केयर भी करनी चाहिए। ओके, तो नाइट स्किन केयर के लिए हमें कौन कौन से प्रोडक्ट लेने हैं ये तो मैंने पहले ही बता दिए हैं, डे के लिए भी क्या करना है वो भी मैंने पहले बता दिए हैं, और अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि फेस वॉश आपको लेनी चाहिए, वो भी पपाया की फेस वॉश लेनी चाहिए, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। ब्रांड अलग अलग होती है कि हमें कौन कौन से ब्रांड के लेने चाहिए। आज की जो ब्रांड शेयर करने वाली हूँ वो भी बहुत अच्छा है एंड अफोर्डेबल है, सबकी पॉकेट फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है, तो बहुत ही इजीली आप इसे बाय कर सकते हो, ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, ऑफलाइन भी बाय कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं वो फेस वॉश कौन सा है। तो जो फेस वॉश है वो है आस्था बेरी से पपाया फेस वॉश, एंड ये वाले जो फेस वॉश है आपके स्किन को डीप क्लीनिंग करती है, हेल्प करती है रिड्यूस करने में, आपके जो स्किन में ब्लेमिश हो चुके हैं, पिगमेंटेशन हो चुके हैं, आपके ब्लेमिश एंड पिगमेंटेशन पर खास ये वर्क करती है, आपके स्किन को डीपली क्लींजिंग करती है। ओके, एंड साथ ही साथ आपके नेचुरल स्किन केयर प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमारे स्किन में बहुत ज्यादा जब प्रॉब्लम हो जाती है ना तो हमारी नेचुरल स्किन तो खो ही जाती है, आपको दिखेगा ही नहीं कि हमारी जो नेचुरल स्किन है वो गई कहाँ। तो ये आपको प्रोवाइड करती है, आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से बाद में मॉइस्चराइज भी करती है, हेल्प करती है रिड्यूस करने में आपके पिगमेंटेशन को। साथ ही अगर ये वाले फेस वॉश लेते हो ना, तो फेस वॉश करने के बाद हमें कोई भी मॉइस्चराइजर जरूर लगाना चाहिए, तो इसमें मॉइस्चराइजर भी ऐड है जो आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है। फेस वॉश करने के बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है, इस साथ ही साथ आपके स्किन फेस वॉश करने के साथ साथ मॉइस्चराइज भी हो जाएगी। ओके, तो ये है आस्था बेरी के ब्रांड से पपाया फेस वॉश, 60 ml का है, देख सकते हैं, बहुत मिनी वीडियो आप लोगों को देने वाली हूँ, शायद ये
उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि कैमरा हमारे फ्रंट में है, इस करके इसे मैं इसके पिक्स में आप लोगों को जरूर दे दूंगी एंड बैक साइड भी सारा दे दूंगी। इसके प्राइसेस की भी बात करें तो ओनली 75 रुपीज का है ये 60 ml। अगर आप इसे यूज करते हो तो अगर आप 2 टाइम्स यूज करते हो जैसे मॉर्निंग एंड इवनिंग तो ये आपका 15 दिन से 1 मंथ तक निकल सकती है क्योंकि इसकी जो फॉर्म है ना वो बहुत अच्छी है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं आप लोगों को प्रोडक्ट तभी देती हूँ जब मैं इसे ट्राई करती हूँ। तो अभी कुछ टाइम से मेरे स्किन पे भी बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई है, आप देख सकते हैं मेरे स्किन भी बहुत ज्यादा डैमेज हो गई थी। मैंने अपने स्किन पे केयर कुछ टाइम से नहीं कर पाई, मैं बहुत ज्यादा थोड़े टाइम से कुछ ज्यादा ही बिजी थी जिससे कि मैंने अपने स्किन पे केयर नहीं किया जिससे बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई। अगर हम अभी अपने स्किन की केयर नहीं करेंगे तो हमारे स्किन टैनिंग के साथ साथ पिगमेंटेशन भी हो जाएगी, हमारे स्किन की जो प्रॉब्लम है ना वो धीरे धीरे बढ़ती है और छोटा सा भी जो हमारे स्किन पे कोई दाग हो जाती है ना डस्ट के कारण या फिर स्किन केयर नहीं होने के कारण तो वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए इसे मैंने ट्राई किया है और पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड भी है, बहुत ज्यादा प्राइजेस वाले प्रोडक्ट भी है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को ऐसे ही प्रोडक्ट दो जो पॉकेट फ्रेंडली हो और बहुत ही ज्यादा ये बेनिफिट भी देती हो, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ओनली 675 रुपीज का है तो इसका रिजल्ट कुछ भी ना हो, क्योंकि ओनली हमें पैसे भी नहीं देखने हैं, सिर्फ 75 का है और कोई रिजल्ट नहीं है तो इसका क्या फायदा, या फिर 1000 रुपीज के भी हम फेस वॉश ले ले और उसका भी कोई रिजल्ट ना मिले तो इसका भी क्या फायदा। लेकिन ये सब करने से पहले और ये सब करने से ज्यादा आपको अपने स्किन केयर पे ध्यान देनी है, जैसे मैंने बताया है क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड फेशियल क्लीनअप, स्क्रबिंग, ये सब आपको करना है। अगर आपको नहीं पता है कि हमें फेशियल खुद कैसे करने हैं या फिर कौन सा फेशियल किट लेनी है तो मेरे दीपिका ब्यूटी सीक्रेट चैनल पे आप जाके वीडियोस देखिए क्योंकि वहां पर मेरी चल रही है कोर्स, वहां पर कोर्स में भी आप देख सकते हो, कोर्स सीख सकते हो, प्रोवाइड की जाती है सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड है आप लोगों के लिए, तो आप वहां पर जाके कोर्स भी सीख सकते हैं। अगर नहीं सीखना चाहते तो आप वीडियोस भी देख के सीख सकते हैं। अगर आप लोग पार्लर से रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखना चाहते हो ना जैसे फेशियल कैसे करें, क्लीन अप कैसे करें, स्क्रबिंग कैसे करें या फिर हमें सीखना है तो आप दीपिका ब्यूटी सीक्रेट चैनल में जा सकते हैं, वहां पर कोर्स भी करवाई जाती है, साथ ही साथ आप लोगों को वीडियोस देख के आप लोगों को सिखाने की कोशिश की जाती है कि आप लोग कैसे करोगे, आप लोगों को नॉलेज दी जाती है। तो जरूर जाइए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर कोर्स करते हो तो वहाँ सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड है। ओके, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, इसकी पिक्स मैं साइड में दे दूंगी, आप जरूर देख लेना एंड इसकी जो प्राइस है बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, कोई भी इसे बाय कर सकता है, ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, लेकिन जो भी प्रोडक्ट करना है उससे ज्यादा आपको अपने स्किन केयर पे ध्यान देना है। एंड इतने दिनों से मैंने क्यों वीडियो नहीं दी इसकी तो आप लोगों को मैंने इसके कारण मैंने आप लोगों को बता दी, मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, कुछ टाइम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी मैं, लेकिन फिर भी मुझे काम करना था, आप लोगों को वीडियोस देनी थी तो मैंने कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया। चलिए आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, अच्छी लगी होगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, मेरे चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन की घंटी होगी उसे प्रेस जरूर करना ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।